एजुकेशन जिसका स्टूडेंट के जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व है। एजुकेशन के बल पर ही एक स्टूडेंट अपने जीवन की सीढ़ियों को चढ़ता है और सफलता प्राप्त करता है। लेकिन आज जैसे जैसे हम स्कूलों के बच्चों द्वारा की जा रही घटनाओं को सुन रहे हैं जो बच्चों में नफरत भरे बिहेवियर को साफ दर्शाता है, ऐसे कई केसेस हमारे सामने आए हैं जो हमें दर्शाते हैं कि बच्चों का जो बिहेवियर है वो कितना नेगेटिव हो चुका है। हाल ही के केस पे अगर दृष्टि डालें तो एक स्टूडेंट ने अपने टीचर को रेप की धमकी दी। कुछ समय पहले की बात करें तो एक बच्चे प्रद्युमन का मर्डर हुआ। इसका जो मर्डर हुआ वो एक इसी के स्कूल के छात्र द्वारा किया गया जिसका सिर्फ एक मुख्य कारण था एग्जाम ना देने। बच्चों का ऐसे नेगेटिव बिहेवियर किस वजह से उनके अंदर आ रहा है और उसका क्या कारण है और उनका कैसा भविष्य होगा आने वाले टाइम में अगर वो ऐसे ही नेगेटिव बिहेवियर के साथ चलते रहे। मैं निखिल आपका स्वागत करता हूँ अपने शो एक्सपर्ट्स वर्डिक्ट टॉक ऑफ द टाउन में। आज हमारे साथ हैं कुछ एक्सपर्ट्स जो कि हमारे साथ बात करेंगे कि बच्चों का जो इतना नेगेटिव बिहेवियर है उसका मुख्य कारण क्या है। हमारे जो पहले एक्सपर्ट हैं वो एक स्कूल टीचर हैं जिनको 31 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और वो स्टेट अवार्ड से भी सम्मानित किए जा चुके हैं टीचर्स डे पर। हमारी जो एक्सपर्ट हैं उनका नाम है मिसेस नीलिमा पुरी, वेलकम मैम। और जो हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं वो एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनको 21 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और उन्होंने बहुत सारे पब्लिकेशंस भी लिखे हैं। उनका नाम है मिस्टर आलोक कुमार भुवन, वेलकम टू आवर शो सर। नाउ वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन एंड विल गेट टू नो द रीजन बिहाइंड चिल्ड्रन बीइंग सो नेगेटिव दीज डेज। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज टू यू सर एंड मैम, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस नेगेटिव कल्चर दैट स्टूडेंट्स आर शोकेसिंग दीज डेज। सी निखिल, बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन आई वांट टू नो, डू यू थिंक दे आर डूइंग रॉन्ग? But they are children, they don't know what they are doing. That is the first thing. They are not understanding what is good and what is bad. That means there is something wrong with the values, moral values we are giving to them. And this is the answer to your question. And more importantly, if you think about the development of the child, it's a scientifically designed, it's a scientifically researched and proven how the child develops. अगर हम बच्चे के बचपन से देखें कि शुरू का जो 5 साल का उम्र होता है, फिर 5 साल से 12 साल का जो उम्र होता है, उस उम्र में बदलाव होते हैं और उस बदलाव को हमें नर्चर करना होता है। बड़े पूरे फैमिलीज़ का, पूरे सोसाइटी का, पूरे स्कूल का, पूरे सिस्टम का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग अगर इस पूरे बच्चे के बिहेवियर को बात करें तो कहीं ना कहीं पूरे सोसाइटी, पूरे पेरेंट्स या पूरे फैमिलीज़ का भी योगदान थोड़ा कम हो रहा है जिसके कारण ऐसा बिहेवियर हो रहा है। तो उससे हम ये चीज़ कह सकते हैं कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं कुछ परसेंट इस चीज़ के जिम्मेदार है कि वो अपने बच्चों को इतनी छूट दे देते हैं। तो ऐसा नहीं ना कि बच्चे पेरेंट्स में सारा ब्लेम डाल कर और खुद को सेव नहीं कर सकते हैं। बट जैसा सर ने कहा ना कि लर्न बिहेवियर है बच्चों का, तो बच्चे सीख रहे हैं तो वी आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि हमें देखकर सीख। यस, वेरी ट्रू, एनवायरनमेंट को देख के। एग्जैक्टली। अभी अभी आपने वो किस्सा कोट नहीं किया, 3-4 डेज अगो दिल्ली के ही एक सरकारी स्कूल में पेरेंट्स ने आकर टीचर्स को खूब परेशान किया, काफी इंतहा तक परेशान किया। अब बच्चों ने क्या देखा कि पेरेंट्स टीचर्स को परेशान कर सकते, तो व्हाट हैव दे लर्न? दे हैव लर्न कि टीचर्स को हम परेशान कर सकते। बट वन थिंग इज, आज अगर आप ये सोच रहे हो कि वो टीचर्स को परेशान कर रहे हैं तो कल आपको नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। इट कम्स टू देयर हैबिट। या इट इज देयर हैबिट, बिहेवियर्स के बाद हैबिट की बात है। हैबिट वो स्लोली स्लोली क्या बन जाता है, उनकी हैबिट बन जाता है। दे विल रिस्पॉन्ड लाइक दैट ओनली टू एवरी पर्सन। और जो आपने निखिल ने जो बहुत इंपॉर्टेंट बात की ना, पेरेंट्स को अपने बीच में लाया, सेंटर ऑफ द पॉइंट, इट्स अ वेरी कन्विंसिंग कि आज के डेट में हर किसी के पास टाइम नहीं है, इवन कि पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं है। ओके, चाहे वो दोनों वर्किंग है तो कहीं ना कहीं वो इंगेज हैं, तो बच्चे के पास हम कितना टाइम स्पेंड करते हैं, उससे के साथ हम कितनी देर बातचीत करते हैं, कितनी देर हम उसको समझते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए। अगर पेरेंट्स इस चीज़ को ध्यान दे दें, सिर्फ इतनी सी बात को ध्यान दे दें कि हमें बच्चे के साथ बातचीत करनी है, हमें हर चीज़ को मैसेज पे नहीं या हर चीज़ को इंटरनेट पे नहीं, हर चीज़ को कंप्यूटर पे नहीं, लैपटॉप पे नहीं, टीवी पर नहीं, हमें हर चीज़ को
आमने सामने भी डील करनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। मैं एक बात यहाँ करना चाहूंगी, अगर आप याद करें आलोक जी, जब हम लोग छोटे होते थे, हम लोग घर आते थे, वी यूज्ड टू शेयर विद आवर पेरेंट्स। आज बच्चे किससे शेयर करते हैं? व्हाट्सएप, अपने फ्रेंड्स से। तो क्या हुआ, ये डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ गया। येस वी आर रिस्पॉन्सिबल, पेरेंट्स आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल, बट वी कैन नॉट से दैट स्टूडेंट्स आर द चिल्ड्रन आर ऑल्सो नॉट रिस्पॉन्सिबल। आज क्या है, मामा हमारे फ्रेंड्स के सामने ऐसा नहीं, मेरी हंसी उड़ाते। अरे भाई क्यों हंसी उड़ाते हैं? हमें खुशी होती थी बताते हुए कि हमारे पेरेंट्स हमारे पर ध्यान रखते हैं, बताते हैं हमारे बारे में, हमारे पर ध्यान रखते हैं। आज अब बच्चों को अगर बाहर बोलना पड़े ना कि हमारे मम्मा ने फोन करके पूछ लिया वेयर आर यू, तो उनको लगता है ये तो बड़ी शर्म की बात हो गई हमारे। सो पॉइंट इज देयर, बच्चों को भी समझना चाहिए और पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। आजकल लोग अपने स्टेटस सिंबल मेंटेन करने में ज्यादा जुटे हैं, ना कि अपने बच्चों पे ज्यादा ध्यान दिए हैं। तो सर मेरा इसी उसमें एक अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट अबाउट आवर एजुकेशन सिस्टम, मतलब वो कंप्लीट है या उसमें लूपहोल्स हैं कुछ? देखो एजुकेशन भी निकल इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। जब सोसाइटी नेगेटिव तरफ चल रही है तो एजुकेशन को पॉजिटिव कौन करेगा? तो एजुकेशन को बनाना भी हमने और ख़राब भी हमने करना। ठीक है, एजुकेशन में भी हमें वैल्यूज़ को डालना चाहिए, मोरालिटी की बात करनी चाहिए और की जाती है, लेकिन जो उसका रीइन्फोर्समेंट है किसी चीज़ का, वो बहुत ज़रूरी है। खाली आप कहो कि बच्चे को एक पीरियड मॉरल एजुकेशन की किताब पढ़ा दी जाए और इससे मॉरल वैल्यूज़ आ जाएंगी, इससे मॉरलिटी बच जाएगी, ऐसा नहीं है। मॉरलिटी इज़ ए कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिस, थ्योरी नहीं है। और एजुकेशन जो है ये लर्निंग प्रोसेस है। एजुकेशन में रटा दिया जाता है कि ये चीज़ करना है, ऐसे ऐसे चीज़ करना है। और अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे देखें तो एजुकेशन में हमें सिखाता है कि व्हाट, हाउ टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, हाउ टू एनालाइज द थिंग्स। और थोड़ा सा और आगे देखें, एजुकेशन का जो एक वैल्यू है वो है कि आप किसी के बारे में कोई ऑब्जेक्टिव डिज़ाइन कर रहे हो, कोई गोल डिज़ाइन कर रहे हो अपने लाइफ का, उसके बारे में बहुत बड़े बड़े निर्देश बना रहे हो, बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रक्शंस बना रहे हो। तो जो एजुकेशन का जो लेवल है, लर्निंग के लेवल से ही रिलेटेड है। तो अगर मैं देखूं कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो समहाउ इज इन द बेसिक लेवल कि हम बच्चे को रटा देते हैं वो चीज़ कि ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। तो इट इज़ समहाउ वी आर गोइंग टू द रोबोटिक काइंड ऑफ लर्निंग कि हम तुम्हें एक प्रोग्राम कर दिया, तुम इतना इतना कर लो। और अगर हम बात करें तो पुराने ज़माने के एजुकेशन और आज के ज़माने के एजुकेशन में अगर देखूं तो मैं बहुत सुधार हुआ है, बहुत सारे चीज़ नए नए चीज़ आए हैं, बहुत सारे नए नए बातों को ली गई है। और ये एजुकेशन जो है एक पैराडाइम शिफ्ट होता है, कहीं भी किसी भी कंट्री में, किसी भी वर्ल्ड के किसी कोने में चले जाओ, एजुकेशन को हम हमेशा पैराडाइम शिफ्ट करते हैं, एक सोच में परिवर्तन समय के साथ, और वो सामाजिक परिवर्तन। तो हमारा जो भारतवर्ष में जो एजुकेशन है वो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। अब देखो पहले क्या था, नॉलेज बेस्ड एजुकेशन था, अब स्किल बेस्ड एजुकेशन आना शुरू हो गया, अब एक और चीज़ बचा हुआ एटीट्यूड बेस्ड एजुकेशन जो तुम बात कह रहे हो। तो वो भी मे बी अगले 10-15 साल में जब हमें लगेगा कि नहीं हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें एटीट्यूड का कंपोनेंट्स ज़्यादा डालना चाहिए, इमोशंस के कंपोनेंट्स ज़्यादा डालना चाहिए, बिहेवियर के कंपोनेंट्स ज़्यादा डालना चाहिए, तो वो भी आने वाला है। सर मेरा अगला सवाल यही है कि मतलब सोच में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है, तो हम और ऐसी क्या क्या नई चीज़ें कर सकते हैं जिसमें हम बच्चों की सोच में थोड़ा बदलाव लाएँ ताकि जो उनके अंदर जो नेगेटिव बिहेवियर उनका आ रहा है वो थोड़ा हद तक कम हो जाए? सबसे पहले कि हमें बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ मतलब उनको मौका देना चाहिए उनको बिजी रखने का, है ना, उनको सही गलत बताना है, फिर उसके उनके सामने हमें ऐसे, जैसे मैंने अभी कहा था, एग्जाम्पल सेट करने चाहिए कि वो ऑब्जर्व करें और सही गलत का चुनाव कर सके। फिर उसके बाद साथ हमें, जैसे क्वालिटी टाइम की सर ने बात की, पेरेंट्स को देना है, स्कूल को भी देना है। अब क्या है, इस समय बच्चे के ऊपर बहुत प्रेशर है, क्या करियर का सिलेबस इतना सारा, अब वो किस समय बेचारी टीचर मॉरेलिटी की बात करें, किस समय बच्चा मॉरेलिटी को समझे। तो मॉरेलिटी को भी ना हमने इतना बच्चे को प्रेशर में डाल दिया कि वो एक वर्ड बन के रह गया है, उसकी भी किताबें खोल के पढ़ लो सब कुछ प्रोग्राम्ड है। हाँ, क्योंकि बच्चे के पास टाइम ही नहीं है इस समय कि मैं सोचूं क्या सही है क्या गलत। मैं बैठ के कभी सोचूं, श्रवण कुमार भी कोई करेक्टर होता था,
राम ठीक है बहुत अच्छा है, रामायण आई अब उस समय जिस समय रामायण आ रही है इधर और बड़े सारे चैनल्स में बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम आ रहे हैं एमटीवी पे, वो कहीं रोडीज चल रहा है तो रामायण बेचारे को कौन पूछता, कोई नहीं पूछता तो वो हम लोग बैठ के रामायण देख लेते हैं और तुम लोग बैठ के रोडीज देख लेते हो, ये फर्क हो जाता है। तो रोडीज से फिर तुमने क्या लिया वो तुम्हें पता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि कुछ तो सिस्टम, ये नहीं कि खाली एजुकेशन ही देना पड़ेगा, पूरे सोशल सिस्टम में बदलाव लाना पड़ेगा। व्हाट वी आर गिविंग टू देम, क्या उन्हें देखने को दे रहे हैं, क्या उनके सोर्सेज ऑफ एंजॉयमेंट है, जो हमारा बिहेवियर है वो भी हमारे मेंटल हेल्थ को डेवलप करता है, और जो हमारा एक पूरा सोसाइटी है इंक्लूडिंग टीचर इंक्लूडिंग पेरेंट्स इंक्लूडिंग जो हमारे दोस्त हैं, अगर वो बच्चे में जो बिहेवियरल चेंज है अगर उसको नोटिस करे कि उसके कहीं मेंटल हेल्थ पे तो इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, कहीं उस बच्चे का जो बिहेवियर है वो एग्रेसिव तो नहीं हो रहा, छोटी छोटी बात है, और ये पहले भी होता था जो कि माँ बाप बड़े आराम से उस बात को ऑब्जर्व करते थे नोटिस करते थे एंड देन दे गिव द प्रॉपर अटेंशन टू दैट बिहेवियर कि वो बिहेवियर खत्म हो जाए, वही डील करते थे देयर एंड देन उसको हम ठीक करते वही खत्म हो जाता था। अब क्या होता है कि जो हम बच्चे का जो मेंटल हेल्थ है उसको कोई भी नोटिस नहीं करता है कि हम इमोशनली आज कैसा है, हम बिहेवियरली आज कैसा है, कॉग्निटिवली आज कैसा है, हमारे पास पढ़ाई का कितना प्रेशर है, इसको कोई डील नहीं करता है। तो आज के ज़माने में आज के डेट में हमें चाहे तो वो स्कूल हो चाहे वो घर हो हर व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करनी चाहिए और उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। एक शिक्षक को भी उस बच्चे के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके पढ़ने की गुणवत्ता होनी चाहिए कि वो बच्चे में अगर कोई बदलाव है तो वो उसको नोटिस करे एंड देन दे शुड रिजॉल्व इट, इवन कि पेरेंट्स भी नोटिस करें दे शुड रिजॉल्व इट। तो सर जैसा मैम ने कहा कि आजकल पेरेंट्स की मेंटालिटी है कि सब कुछ टीचर्स ही करेंगे, तो कहीं ना कहीं इसमें मतलब पेरेंट्स का मतलब उनको थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा तभी चीज़ें सुधरेंगी, अगर पेरेंट्स भी इक्वली इन्वॉल्व होंगे बच्चे को समझने में। मेरे ख्याल से बच्चे के माँ बाप भी इक्वली इन्वॉल्व हैं, देर इज़ ए नो गैप कि वो इक्वली इन्वॉल्व नहीं है, किस डायरेक्शन में है वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। वो इन्वॉल्व हैं बच्चे के कि हम बच्चा जब स्कूल से घर आया तो मैं उसके पीछे लगे पढ़ो 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 चलो, या फिर उसको डांस लेकर गए यहाँ लेकर गए वहाँ लेकर गए, बच्चे के साथ अगर देखा जाए तो माँ भी बाप भी सब बिजी हैं ऐसा नहीं, लेकिन किस डायरेक्शन में, अगर हम उसी चीज़ में से उसी डायरेक्शन में से एक या आधे घंटे का समय निकाल लें कि पर्सनल टॉक करें, हम क्वालिटी टाइम बात करें, हम तुम्हारे इमोशंस के बारे में बात करें, तो हो सकता है कि ये पूरे प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन निकल जाए। सर मेरा आखिरी सवाल ये है आप लोगों से कि हाउ कैन स्कूल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द चिल्ड्रन हेल्दियर वाइजर एंड कल्चर, हेल्दियर वाइजर एंड कल्चर, थ्री बिग टर्म्स एनी वेज। हेल्दियर बोलो तो स्कूल खाना देता है बच्चे को, वॉट हेल्थ यू आर टॉकिंग अबाउट, है ना? मतलब वाइजर हम बच्चों को पढ़ाते हैं जी, कल्चरल हम उनको कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं। पॉइंट इज नॉट दैट, तुम्हारा इशू है, आज का इशू है डिक्लाइनिंग वैल्यूज इन स्टूडेंट्स अमंग द स्टूडेंट्स। यस, अब जब हम हेल्थ और वाइज और कल्चर की बात कर रहे हैं तो दीज शुड बी अटैच टू वैल्यूज। उसके लिए जैसे सर ने बात किया था, मैंने भी कहा कि हमें समय देना पड़ेगा, बच्चे को वन टू वन इंटरेक्शन करना पड़ेगा, और हर जगह ये संभव नहीं हो पाता, बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं एजुकेशन सिस्टम में, पेरेंट टीचर टीचर स्टूडेंट रेशियो बहुत ज़्यादा है, एक क्लास में बहुत बहुत बच्चे हैं, सौ सौ बच्चे, टीचर कैसे वन टू वन कॉन्टेक्ट करेगी जी, है ना, एक एक बच्चे के बारे में कैसे समझ सकेगी, फिर तो वही है जो बच्चा हाईलाइट होके उसके पास आ गया या तो वो बहुत अच्छा होगा या वो बहुत खराब होगा। तो यहाँ पर जो है फिर वही बात आ जाता है कि समय एजुकेशन पॉलिसीज़ में हमको थोड़ा सा अकॉर्डिंगली चेंज करना चाहिए, टीचर्स को भी मौका मिलना चाहिए बच्चों को समझने का, बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए टीचर्स के कांटेक्ट में आने का, तो वो तभी होगा जब हम थोड़ा अपनी पॉलिसीज़ में चेंज करेंगे। और जहाँ तक सवाल है हेल्दियर की बात है ना, हेल्दी होना मीन्स एक वेलबींग स्टेट में होना जहाँ पर हम अपने इमोशंस अपने खुशी अपने हर चीज़ को इजहार कर सकें, ठीक है? तो आज के डेट में बच्चा क्या अपनी खुशी अपने दिल की खुशी इजहार कर सकता है? नहीं कर सकता। उसका एक ही रीज़न है कि हमारा जो मेंटल हेल्थ का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है।
तो हम बच्चे को अगर ह्यूमन इंटरफेस दें, जो मोबाइल और टेक्नोलॉजी का इंटरफेस है थोड़ा वहाँ अगर हम कम करें, तो हम हो सकता है कि मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा विकास कर सकते हैं, बातचीत करके या काउंसलिंग करके या जैसे भी। और जहाँ तक वाइजर है, वाइजिंग नहीं चाहिए हमें, वी नीड टू बी द स्मार्टर। ठीक है, हम कैसे स्मार्ट हो सकते हैं, जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करें कि हम स्मार्ट हो जाए, हमारा काम तुरंत 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 सारा काम हो जाए और उसको अंडरस्टैंडिंग भी उसकी आसान हो जाए। और जहाँ तक कल्चर की बात है, कल्चर जो है वो पैराडाइम शिफ्ट है, हमारे सोच में परिवर्तन है। तो एक सोसाइटी को भी इस चीज़ को समझना चाहिए, एक माँ बाप को भी समझना चाहिए, एक पूरे इन्वायरमेंट को समझना चाहिए। अगर हर चीज़ बदल रहा है, स्कूल बदल रहा है, समाज बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है हर दो दिन पर, तो हमें उसके साथ कैसे कोप अप करना है, कैसे आगे बढ़ना है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो हेल्दियर मीन्स वी नीड टू अंडरस्टैंड नॉट द खाना, वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड द मेंटल हेल्थ ऑल्सो। ओके, उसके बाद अगर हम वाइजर के बारे में बात करते हैं, तो वाइज होने से ज़्यादा स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे अपने काम को तुरंत तुरंत कर सकते हैं। और कल्चर में बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो सोसाइटी है हमें किस तरीके से देखता है, या हम सोसाइटी को किस तरीके से देखते हैं। अगर दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए, सोसाइटी फैमिली की, तो कहीं कोई बात नहीं होगी। तीनों कंपोनेंट्स हैं, बच्चा, पेरेंट्स एंड स्कूल, दीज आर थ्री कंपोनेंट्स। तो इन सबको जब तक ये मिलके काम नहीं करेंगे, तब तक बच्चे में भी सुधार नहीं आना, और उस समय हम कहेंगे कि हमारा सोशल वैल्यूज डिक्लाइन हो रहा है, हमारा मॉरल वैल्यूज हो रहा है, तो उसको संभाल पाना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल। कुल मिला के जो बात निकल कर आई है वो ये है कि कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेवार हैं, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे पेरेंट्स हो, पीयर प्रेशर हो, या और इसका सिर्फ एक ही तोड़ है कि हम सबको साथ मिलकर काम करना होगा। अब हम धन्यवाद करते हैं हमारे एक्सपर्ट से, थैंक यू सो मच कि आपने हमें को अपना कीमती वक्त दिया, शुक्रिया। तो दोस्तों, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर expertsverdict@gmail.com। और इसी के साथ मैं आज का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त करता हूं, और मैं आपको मिलूंगा अगली बार फिर एक नए मुद्दे के साथ। शुक्रिया।